नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टू चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तरीके के बारे में, ऐसे रेसिपी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसको दोस्तों आप घर पे बना करके एक तरीके से देखा जाए तो 10 रुपए लागत में अगर आप बनाते हैं तो उसको सीधे सीधे 20 रुपए में बेच सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो चाहे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं देसी टॉनिक के बारे में। एक तरीके से आप मान करके चलिए अनेकों प्रकार के ऐसे ताकत के लिए आपने अंग्रेजी टॉनिक पिया होगा, लेकिन दोस्तों हम एक तरीके से देसी टॉनिक बनाकर आपको दिखाने वाले हैं, जिसको दोस्तों बहुत ही लोग पसंद करते हैं और इसका डिमांड एक तरीके से कम नहीं होता, बेसिक मटेरियल कम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में क्या है, कैसे दिखाना है, कैसे आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है एक तरीके से, और गर्मी के लिए ये सबसे अच्छा टॉनिक मैं बता रहा हूं, और एक तरीके से यह रेसिपी जो है वो देसी रेसिपी है और आपको एक तरीके से इसको बनाकर बेचने के लिए बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पर भी अगर इसका दुकान अगर आप तैयार कर देते हैं, लगा देते हैं, तो दोस्तों इसको बिकने में एक गिलास अगर 50 रुपए का भी बेचते हैं तो भी दोस्तों बिकने में समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप मान करके चलिए गर्मी के दिन में ठंडा पीने जाते होंगे, मान करके चलिए पेप्सी, कोको कोला, अनेकों प्रकार के ऐसे ठंडा है जो आप पीते हैं पेप्सी दोस्तों, लेकिन वो पीने के थोड़े देर बाद ही आपका शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम ऐसे रेसिपी बनाकर दिखाने वाले हैं जिसको अगर आप बना करके बेचते हैं और एक तरीके से अगर आप बना करके खुद भी पीते हैं तो दोस्तों यह जो चीज है यह हमेशा ठंडा रखेगा, पेट को ये हमेशा के लिए ठंडा रखेगा। अगर आप सुबह इसको पी लिए तो दोस्तों शाम तक आपका पेट बिल्कुल ठंडा ही रहेगा। उस प्रकार के रेसिपी के बारे में हम बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों मुश्किल से बहुत कम लागत में, इसमें कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं है, इसको बना करके दोस्तों हजारों रुपए रोजाना कमाई कर सकते हैं। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 100-150 रुपए बीच में अगर आप पूंजी लगाते हैं तो दोस्तों बहुत आसानी से 1000 रुपए तक की कमाई की जा सकती है। कैसे क्या बनाना है अब इसके बारे में जानिए। दोस्तों जिस रेसिपी के बारे में हम बताने वाले हैं उसके साथ दोस्तों बस बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं होना चाहिए, ये बस ये 3-4 चीजें होने की आवश्यकता है। दोस्तों क्या करना है, अब सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये आप देख रहे हैं ये खाली स्टील का गिलास है, ये काटने वाला है, और ये जो चीज है ये देसी दूध, और खास कर से मैं बता दूं भैंस की दूध का ये बिल्कुल अच्छा खासा ये दही है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें छाली भी है और इससे मक्खन निकाला जाता है, जो ऊपर का जो परत होता है जिसको छाली कहा जाता है हमारे यहाँ, हो सकता है कुछ और कहा जाता हो, मतलब दूध का जो चदर होता है, दूध के ऊपर का हिस्सा जो होता है गर्म करने के बाद वो जब ठंडा हो जाता है, दही जम जाता है दोस्तों, इससे माखन यानी घी निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों मैं उस पे नहीं जाने वाला हूं, मैं दोस्तों सीधा सीधा रेसिपी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर रेसिपी की हम बात करें तो दोस्तों अगर आपके पास मान कर चलिए अगर 1 किलो चीनी, लगभग 2 किलो दूध का जमा हुआ दही, बस इतना ही चीज आपके पास होना चाहिए, बाकी जो भी चीजें है वो थोड़ा मोड़ा आप मैनेज कर ही लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप मैनेज करने के बाद दोस्तों जैसे मान के लिए में हल्का फुल्का हो सके तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन आवश्यकता हो तब। लेकिन दोस्तों मैं जो चीज बताने वाला हूँ, जो रेसिपी बताने वाला हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर मैं एक बात कहूँ कि ये 2 किलो दूध का ये दही जमाया गया है, लेकिन अगर चाहे इससे तो 1000 रुपए कमाना है तो कैसे कमाया जा सके? दोस्तों सीधा सीधा मैं बता दूं कि इसका अगर एक हिस्सा काटते हैं, इसको 10 भाग में डिवाइड किया जाए तो लगभग यह एक हिस्से से आपको 100 रुपए कमाना है। तो उसके लिए क्या करना है, 100 रुपए यानी अगर 10 रुपए गिलास अगर आप दही चीनी के लस्सी को अगर आप बेच रहे हैं तो दोस्तों 100 रुपए अगर एक हिस्से से कमाना है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है, और पानी के जरिए दोस्तों पानी में इसको मिला करके, मतलब इसको काट करके पानी में मिला करके जितना आपको बनाना हो, जितना ऑर्डर हो, थोड़ा थोड़ा मिला करके दोस्तों इसमें चीनी भी आप डाल सकते हैं, चीनी डाल करके
इसमें हल्का नींबू भी डाल सकते हैं जिससे पेट को पाचक ठंडा अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों यह सब चीज डाल करके दोस्तों बहुत ही इजीली इससे बेच करके, ये स्टील का गिलास है ये तो 20 रुपए गिलास बिकेगा, लेकिन जो छोटा गिलास है उससे, इस गिलास से अगर मान कर चलिए 5 गिलास अगर इसका, इसमें अगर 10 टुकड़े करके 5 गिलास पानी में अगर इसको डाल दिया जाए और चीनी की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों लस्सी भी बिकेगा, आपको पैसे भी मिलेगा और इसका डिमांड भी कम नहीं होगा। लेकिन रह गई बात दोस्तों दूध का इंतजाम कहाँ करेंगे, मतलब दूध कहाँ से लाएंगे, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सीधा सीधा खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो गाय भैंस का पालन करके दूध डेयरी इकट्ठा कर सकते हैं, उससे दोस्तों यह चीज आप चाहें तो अपने घर पे ही बेच सकते हैं। इसके लिए ग्राहक जो है दोस्तों ये चल करके आता है, इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है, इसमें ग्राहक जो होता है वो खुद चल करके आता है जिससे दोस्तों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इस बिजनेस में एक खास बात और है कि आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा अगर आप इसका व्यापार करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी जो व्यापार करता है वो खाता जरूर है, तो आप भी अगर इसका सेवन करेंगे तो आपका भी स्वास्थ्य सही रहने का चांस है, पेट की समस्या हमेशा दूर रहेगी, कभी कभी भी नहीं बनेगा, पेट ठंडा रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह बिजनेस किस इलाके में सही तरीके से किया जा सकता है, शहरों में या गांव में। दोस्तों तो एक तरह से मैं बता दूं कि ये गांव या शहर, दोस्तों अभी ये एक तरीके से देखा जाए ऐसा डिमांड आ चुका है, ये देखने को नहीं मिल रहा है लोगों को, देसी दही देखने तो को नहीं लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें अगर आप चाहें तो आपके पास अगर पूरा मतलब दूध से लेकर दही तक का अगर मानकर चलिए आपके पास व्यवस्था है, इसका व्यापार करना चाहें तो दोस्तों आप दूध की व्यवस्था करके, दूध की व्यवस्था सीधा सीधा कहा जाए तो गाय और भैंस का पालन करके उनको डेयरी मतलब दूध की डेयरी तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के दोस्तों इस प्रकार का आप व्यापार करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप एक एक बूंद का पैसा 10 रुपए भी ले सकते हैं, मतलब एक बूंद अगर दूध बेचते हैं तो भी जाए तो दोस्तों उसमें 10 रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों यह जो चीज है यह देखने तक को बहुत लोगों को नसीब नहीं होती, आपने देखा होगा कि बहुत से मार्केट में पाउडर वाला दूध पाउडर वाला दही है, लेकिन देसी चीजों को कोई भी दोस्तों एक तरीके से बहुत कम मात्रा में लोग ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। बहुत तो ऐसे जगह होते हैं जहां पाउडर से ही उनका मतलब खान पान होता है, पाउडर वाले दूध से। तो दोस्तों देसी तरीके को अपनाएंगे तो गाँव में भी रहेंगे तो भी एक तरीके से सफल तरीके से इसका व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, पशुओं को रखना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपका पैसा डूबने वाला नहीं है और आपको एक तरीके से घाटा लगने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो के साथ हम विराम लेते हैं, फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।